दफौट क्षेत्र के ग्राम तुनेरा निवासी महिपाल सिंह दफौटी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 55,000 की राशि जमा की है। इस राशि का एक चेक उन्होंने अपर जिलाधिकारी बागेश्वर को सौंपा। इस मौके पर महिपाल दफौटी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारों के प्रयासों में मदद करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यहां बता दें कि महिपाल सिंह दफौटी सामाजिक व धार्मिक कार्यों में मदद करते रहते हैं। दफौट क्षेत्र में होने वाले सामाजिक कार्यों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज हमारे साथ हैं महिपाल सिंह दफौटी, पूर्व सैनिक व समाज सेवी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने समाज के लिए क्या करा है। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सन 1994 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ और 31 मार्च 2019 को रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैंने 1 अप्रैल 2019 से आज तक लगातार समाजसेवी के रूप में हर जगह अपनी सेवा दे रहा हूँ, जैसे जिला बागेश्वर, जिला नैनीताल, जिला उधम सिंह नगर, जिला हरिद्वार में। और इसके अलावा मैं समस्त देश में की जनता के लिए जो असहाय जनता है, जैसे अपंग अपाहिज लोग हैं, उनके लिए राष्ट्रव्यापी अनाथ आश्रमों, वृद्धाश्रमों, महिला असहाय आश्रमों और दिव्यांग लोगों के लिए आश्रम और उनकी शिक्षा दीक्षा और रोजगार के लिए समाज को जागरूक करने के साथ साथ सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करने के लिए कार्य कर रहा हूँ और अपना भी मैं योगदान दे रहा हूँ। वर्तमान में कल 26 4 2020 को और मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 55,000 रुपया डाला और मेरे हरुनाथ मंदिर दफौट इलाके में उसके लिए 25,525 रुपया और गंगनाथ देवता इष्ट देवता है उसके लिए भी एक गेट बनाने और भूमिया देवता हमारा ग्राम ढूंगा पाटली में उसके मंदिर के लिए भी एक माह का वेतन डालने के लिए जो है कार्य शुरू किया है। साथ ही क्षेत्र के जो असहाय लोग हैं और जिनको पूरा पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज, अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों में शारीरिक और मानसिक रूप से मैं अपनी सेवा देता हूं। जो भी बच्चे भर्ती होना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए अपनी सेवा देना चाहते हैं, उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं ताकि हमारी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बन सके। कोरोना में भी वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहा हूं 24 घंटे, जैसे डिलीवरी महिलाएँ हैं और जो है कोरोना संक्रमित हैं और प्रशासन से भी मैंने इसके लिए जो है विनती की है कि मैं 24 घंटे सेवा देना चाहता हूं और 21 जून को रक्तदान शिविर गांव-गांव में और इस शहर में उस दिन से शुरुआत होगी ब्लड डोनेट करने के लिए। पहले खुद मैं रक्तदान करूंगा अगर प्रशासन का सहयोग रहेगा। इसके अलावा मैं अपने पूरे अंग दान करने के लिए, जैसे नेत्रदान हो गए और मृत्यु से पहले मेरे पूरे अंग निकाले जाए और मेरा पूरा जो शरीर है वह लोगों के लिए समर्पित हो जाए। जो भी मेरा जीवन है मैं दूसरों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। CCN न्यूज के लिए मनोज कुमार के साथ हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।